ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई विल नॉट बी एबल टू, मतलब अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाऊँगा आपको. अगर आप यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट सीरियसली, सो यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल. आई एम जस्ट गोना शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई एम गोना डू एंड वट एवर आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माई पास्ट, माई मिस्टेक्स, वट एवर आई हैव डन. नवीन जी, अरे बाप रे चेष्टा, सो मैनी पीपल, हाई एवरी वन. मुझे भी फिट होना है मोहित. हाँ, तुम्हें मैं कब से समझा रहा हूँ, तुम्हें फिट होना है, बहुत ज़रूरी है. आई नो लाइव हूँ मैं, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही है. ओके ग्रेट. तो वक्त की कमी होने की वजह से विल स्टार्ट. ओके, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क मी, कि जस्ट आस्क मी, आई मीन पूछिए मुझसे, तब तक मैं आपसे कहता रहूंगा जो मैं कहना चाहता हूँ. हाँ, तो शुरू करते हैं. मैंने थोड़े नोट्स बना के रखे, सो यार क्या बोलना है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. जब शुरुआत हुई मेरी इंडस्ट्री में, आई वॉज अ थिन टॉल लैंकी गाय, बहुत पतला सा. इफ यू रिमेंबर माई फर्स्ट शो विच इज क्या मस्त है लाइफ. ऑफकोर्स आई रिमेंबर. सो क्या मस्त है लाइफ में मेरा वेट आई गेस अराउंड 67-68 था. बहुत ही 6-2 के हिसाब से तो बहुत ही कम वेट था. हाय स्टेफन, सो नाइस टू सी यू हियर ब्रो, सो नाइस टू सी यू. नाइस. ओके सो मैं बहुत ही पतला सा लड़का था, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेन वेट, बट होता ही नहीं था, समझ में नहीं आती थी कैसे करना है. बट जब फिर शूट करना शुरू किया, आई गेस डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे कॉलेज डेज में, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे. आई एम थैंक यू स्टेबिन, आपसे सीख रहे हैं, आपके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं. आई नो, नाइस. ऑफ कोर्स आई कांट वेट फॉर दैट. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर मोहब्बत है. यस. सो या, आई वॉज अ वेरी स्किनी गाय. एग्जैक्टली वे वर बी. तो उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता थोड़ा थोड़ा वेट गेन हुआ मेरा. आई गेस अराउंड 90 आई वॉज 72-74. यस. और उसके बाद 90 के बाद आई हैड टू गेन वेट फॉर महाभारत, विच वॉज अ बिग वन फॉर मी, बिकॉज आई हैड टू प्ले वॉरियर, द बेस्ट वॉरियर एवर. सो आई हैड टू लुक लाइक अ वॉरियर, जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. बट कोशिश की मैंने अपनी तरफ से पूरी, वेट गेन करने की, वर्कआउट किया, फिट होने की कोशिश की. एट द सेम टाइम थोड़ा एथलेटिक भी, क्योंकि बहुत सारे स्टंट्स वगैरह भी करने थे, तो कोशिश चलती रही. तो फिर वेट गेन हो गया मेरा ऑलमोस्ट 92 केजीज. काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया था मेरा, काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस, मतलब अगर आपका वेट 90s में पहुंच जाए तो फिर आपको मुश्किल होती है थोड़ा, लाइक यू फील लेज़ी, यू फील लिटल, आई डोंट नो हाउ टू से, थोड़ा यू फील फटीग, यू गेट टायर्ड वेरी फास्ट. सो व्हाट हैपेंस देन इज आफ्टर महाभारत मुझे वेट लूज करना था. तो वेट लूज करने के लिए आई स्टार्टेड डाइटिंग. मैंने खाने को कंट्रोल में किया, मैंने डिनर कम कर दिया, उसके बाद मैंने वेट लूज भी किया. तो मैंने इस सबसे गेन 20 किलो गेन करना और फिर लूज भी करना, उसमें क्या सीखा, कैसे किया, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ. और हाँ, सबसे बड़ा चेंज आया था
ये रिश्ते हैं प्यार के. जब मुझे डेंगू हुआ और आई लॉस्ट अराउंड 5-6 kgs इन अ मंथ, और उसके बाद फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग योगा. हाँ, फिर लॉकडाउन हुआ, आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड काफ़ी सारा मेडिटेशन वगैरह किया. एंड आई फेल्ट सो लाइट. आई वॉज हार्डली 72-74 kgs एट दैट टाइम. आई वॉज स्किनियर देन दिस, बट बहुत बहुत लाइट फील करता था. आई यूज टू फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइवली. आई वुड वॉन्ट टू डू थिंग्स, गो आउट, रन, लाइक एवरी डे आई वुड वॉन्ट टू गो आउट एंड डू थिंग्स, विच इज़ अ गुड थिंग. ऐसा ही फील होना चाहिए आपको. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सो नाउ माई प्लान, वट इज़ माई प्लान एक्चुअली. माई प्लान इज टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्रोसेस्ड फूड ना खाऊँ. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, बट आई होप, आई मीन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया वॉट इज प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड इज एवरीथिंग यू लव, बेसिकली एवरीथिंग यू लाइक. इट इंक्लूड्स चीज, इट इंक्लूड्स ब्रेड, इट इंक्लूड्स सॉसेजेस, सलामी, चिप्स, बिस्किट्स, your morning cereals, pancakes, everything. Yeah, exactly. So, तो बचा क्या? What do you eat if you're not having processed food? Of course, your fruits, your vegetables, your pulses, your whole grain, everything. Everything which is grown, जो पेड़ों पे उगता है, जो जो आप उगाते हैं और फिर खाते हैं directly, मिट्टी से निकल के आप खा लेते हैं. नहीं, दैट डिडंट साउंड राइट. बेसिकली एवरीथिंग नेचुरल, जिसको प्रोसेस नहीं किया जाता है, वो खा सकते हैं. तो वो मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊँ और रोज़ कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करूँ. व्हाट एल्स? सो कुछ मिथ्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं पहले से कि ऐसे ही होता है, और हम ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते हैं. तो वो क्या है, वो मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ. जो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू, यू नो, बॉडी बिल्डिंग तो पता नहीं, बट इफ यू वांट टू, इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, देन यू हैव टू हैव प्रोटीन शेक्स, यू हैव टू हैव प्री वर्कआउट्स, देन यू हैव टू हैव चिकन, मटन, बॉइल्ड एग्स. नो, दैट्स नॉट ट्रू. हमारी वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारा प्रोटीन मिलता है हमें, बल्कि हमारी बॉडी बेटर एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन को अगर हम वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने ऐसे भी लड़कों को देखा है जो 30-30, 40-40 संडे खाते हैं जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है मेरे साथ. मैंने कभी 2 अंडे से ज़्यादा नहीं खाया लाइफ में. ओके, एंड मीट और चिकन से ही प्रोटीन मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के. ना, आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन प्री वर्कआउट्स एंड फैट बर्नर्स. नो, दैट विल डू मोर डैमेज टू योर बॉडी देन हेल्थ. मैं आई एम प्लानिंग टू डू दिस विदाउट, आई सेड processed food and protein shakes and everything, they are also processed, so I'm going to avoid that as well. I have not been having any protein shakes since last 2-2.5 years, jab se lockdown shuru hua, tab se, usse kuch time pehle se hi maine protein shakes wagera band kar diye the. pre workout wagera to main usse pehle bhi nahi leta tha, kabhi nahi leta tha, but uske baad maine protein shakes bhi band kar diye, which has actually helped me. Mujhe better feel hota hai uske baad. मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या कुछ मेरी बॉडी में कमी रह रही है, ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ. सो छोटा सा, आई एम ऑन माई टेरेस, सो आई जस्ट शो यू अराउंड अ लिटल.